स्वागत है आप सभी का डीआरवी न्यूज में। मैं मेघा खाड़े। एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। आसाम के करीमगंज इलाके में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है जिसमें कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है। यहां एक ऑटो रिक्शा की सीमेंट लाने वाले ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई थी। मृतकों में से किसी की भी पहचान अभी नहीं हो पाई है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये दुर्घटना उस समय हुई जब लोग आधी रात को छठ पूजा करके लौट रहे थे। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। लोगों ने आसाम और त्रिपुरा रोड को बंद कर दिया। ऐसा अनुमान है कि मृतकों में चाय बागान में काम करने वाले लोग शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक ट्रक की रफ्तार काफी तेज थी जिसके चलते ऑटो रिक्शा के भीतर बैठे लोगों की मौत हो गई। घटना गुरुवार तड़के बैथाखल इलाके में नेशनल हाईवे 8 पर हुई है। ये जगह आसाम त्रिपुरा सीमा पर करीमगंज जिले के पाथरकांडी पुलिस थाना क्षेत्र के तहत आती है। पुलिस घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची। जिले के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि दुर्घटना ट्रक और ऑटो रिक्शा की सीधी टक्कर के बाद हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि ट्रक ड्राइवर खतरनाक गति से गाड़ी चला रहा था और इसलिए विपरीत दिशा से आ रहे ऑटो रिक्शा से टक्कर हो गई। वह वक्त पर ट्रक को नियंत्रित नहीं कर सका। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। उसे गिरफ्तार करने के लिए हमारा सर्च ऑपरेशन जारी है। हर रोज नए नए सड़क हादसे के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने की काफी जरूरत है। डीआरवी न्यूज में बस अभी के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टॉवर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए। और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। PM आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू।